उठाया ना जा रहा, फिर भी वो उठा के ला रही। हे गाइस नमस्ते, तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी दिन के बज रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 6, और मैं अभी फूल तोड़ रहा हूँ केले का, क्योंकि मंदिर जाना है। कल पूर्णिमा थी तो बहुत भीड़ था, और आज सोमवार है तो आज भी बहुत भीड़ होगा मंदिर में। तो भाई आज बहुत तगड़ी गर्मी है, अभी से महसूस हो रही गर्मी। तो चलो चलते हैं मंदिर को। अब तो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क किया है, यहाँ सुरक्षित रहना। देखिए भीड़ कितनी है। हे गाइस, सभी मौसा जी आ चुके हैं और समय भी हो गया है, 11:30 बजने वाला है, तो मैं घर जाऊंगा अब। देखो अभी इतनी भीड़ है, अभी तो बहुत कम भीड़ है, सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अभी घर आ गए और इसके साथ बैठा हूँ। हाय बोलो गाइस। देखिए अभी दिन के 2 बजने वाले हैं, और देखिए कितनी तेज़ हवा बह रही है, तूफान आ गया भाई। बारिश हुई पहले, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा ही हुआ, और देखिए कितनी तेज़ हवा बह रही है भाई। आज इतनी तेज़ गर्मी है, इतनी तेज़ गर्मी है कि बैठे बैठे पसीना निकल जाता। अभी हवा बह रही है तो आज ठंडा ठंडा लग रहा, कितना अच्छा। बारिश होएगी तो और भी अच्छा लगेगा। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 5:30, और मैं बेलपत्र तोड़ने के लिए आया था तो मैंने तोड़ लिया, अब जाऊँगा घर को। तो अभी घर आ गए। तो हे गाइस, ये है दूसरा दिन, और मैं अभी नहाऊँगा और मंदिर को जाऊँगा। तो निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। अभी आ गए मंदिर और सारा सामान निकल गया है। देख लीजिए इतनी भीड़ है। तो है कैसे बज रहे हैं 10:30, और देखिए इतनी भीड़ है, मैं घर जाने वाला हूँ। तो पाताल बाबा के पास इतनी भीड़ है। तो अभी आइए खाना खाने के लिए। तो निकल पड़े हैं घर के लिए, 2:30 बजने वाले हैं। अभी सो के उठा हूँ तो भूख बहुत तेज लगी थी, तो खाना खा रहा हूँ। तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। तो मेरा खाना ख़त्म हुआ। देखिए ये ना आ रही है अभी, तो वैसे भी ऐसी तो ये अपना फेस छिपा रही है। क्यों छिपा रही हो फेस? इसके कहने का भाव की वीडियो मत बनाओ मेरी। तो है गाइस, ये है दूसरा दिन, और मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के लिए। तो है गाइस, अभी जा रहा हूँ फूल तोड़ने के लिए। बहुत दूर आए हैं यहाँ का फूल तोड़ने के लिए, अपने घर से करीब 30 किलोमीटर दूर। तो भाई को इनका घर से ले लिया, हाँ चलो मेरे साथ। तो यहाँ फूल तोड़ने के लिए अड़हुल का, तो फाइनली ढूंढते ढूंढते मिल ही गया हमें यहाँ का फूल। दिन के 10 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ है कि सहन ही नहीं हो रहा, पसीना पसीना हो रखा हूँ दोनों। जल्दी तोड़ेंगे और निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इतनी तो सहन ही नहीं होगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो भाई का रिजल्ट आ गया, ये 80% मार्क्स से पास हैं, बढ़िया नंबर आए 9th में इनका। दोनों भाई रुके हैं पानी पीने के लिए, और यहाँ छाव भी है तो रुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बता नहीं सकता हूँ इतना ज़्यादा गर्मी है। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रखा है, उसकी वजह से और भी ज़्यादा गर्मी है। बारिश हो भी नहीं है हमारे क्षेत्र में, होती भी नहीं है बारिश। कल तो हुआ था थोड़ा बहुत, 1 मिनट के लिए हुआ था, और पता नहीं कहाँ गई बारिश, पता नहीं, बारिश का नामो निशानी नहीं है। अब की बार सिर्फ एक जगह रुकना है, वहाँ सार्की का फूल तोड़ना है जो कमल की तरह दिखता है, और वहाँ से सीधे घर को जाऊँगा। बहुत देर हो गई, देर नहीं है बट धूप इतनी तेज़ है कि रुक ही नहीं सकता, रुकने का मन ही नहीं कर रहा है। छोटा सा तालाब जैसा है, और इसमें बहुत सारे सार के फूल खिले हैं। भाई बहुत कीचड़ है इसमें, कैसे घुसोगे? पानी तो उतनी है नहीं बट कीचड़ है बहुत। आगे एक तालाब, वहीं पे पैर हाथ धो लूँगा, यहाँ पहले तोड़ने दीजिए। देखिए कितनी कीचड़ कीचड़ है। चलो भाई बस, तोड़ लिया हम दोनों ने, देखिए पैर कितना गंदा हो गया।
सिर्फ कीचड़ कीचड़, पानी तो बिल्कुल कम है। देखिए तोड़ लिया, तो यहाँ पे तालाब मिला, फूल को भी गीला करूँगा, पैर हाथ भी धो लूँगा। देखिए पानी भी है। तो भाई के यहाँ आया हूँ, और यहाँ से भाई को ले जाना अपने घर को। तो भाई चेंज कर रहा है, जल्दी चेंज कर भाई, जाना जल्दी जाना है। तो है गाइस, सभी बज रहे हैं शाम के 4:30, और मैंने अभी नहाया है, घर तो पहुंच गया था, जल्दी ही पहुंच गया था, घर आके सो गया था सीधा, उठा तो बहुत देर पहले था। अभी जा रहा हूँ फूल तोड़ने के। तो अभी आ गया हूँ फूल के खेत में, और देखिए मकई के पौधे सबसे बड़े हो गए, और फूल के पौधे छोटे छोटे। चलो तोड़ते हैं, अब तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ सबसे ज़्यादा फूल है, कहाँ से तोड़ो समझ भी नहीं आ रहा है, अब तो दिखता ही नहीं। यहीं से शुरुआत करा है मैंने, देखिए उन लोगों ने तो सिर्फ फूल की खेती करा है, और खेत के मालिक नहीं है सब लोग। भिंडी और ये मकई के पौधे, और भिंडी भी देखिए लगे हैं भिंडी इसमें। ओह कितना अच्छा है भिंडी, कच्चा भी खाया जा सकता है भिंडी को। तो है गाइस, मैंने फूल तोड़े जितना तोड़ना था, करीब 4.5 किलो के आसपास होगा। तो अभी घर आ गए, और जिस फूल को मैंने तोड़ा है उसका माला बनाना पड़ेगा, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो चाचा जी ने गिराया ताड़ के फल, जैसे पल्म फ्रूट कहते हैं, छोटी लेके जा रही है, देखता हूँ कैसे निकलता है। देखिए ये पल्म फ्रूट बहुत ही लाभकारी होता है। वो ला रही है, उठाया ना जा रहा, फिर भी वो उठा के ला रही है। तो भाई इसके अपने अपने फ़ायदे हैं, जैसे खाने से पेट सही रहता है, और गर्मी में खासकर खाने चाहिए, मैं भी खाऊंगा। तो मैंने भी खाया, बहुत टेस्टी है, मीठा है, पानी पानी जैसा लगता है। कैसा है टेस्ट, दिखा रही है टेस्ट कैसा है, तुमसे ही पूछ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।